तो अभी मैं आया हूँ, एक एसी यहाँ पर जो है ऑन नहीं हो रहा था, तो एमसीबी वगैरह जो है यहाँ से ऑन है, और यहाँ पर रिमोट भी हमारा जो है बिल्कुल ओके है। तो यहाँ से जब मैं रिमोट से वर्किंग कर रहा हूँ तो इसका फ्लैप जो है बिल्कुल खुला हुआ है, यानी ये आधे में बंद हो चुका है एसी, और हम कितनी भी बार इसको ऑन ऑफ कर रहे तो किसी भी तरह का जो है कुछ नहीं हो रहा। तो चलिए पहले कवर को खोल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो चलिए कवर को मैंने खोल लिया ताकि ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्टेज ना हो, और चलिए इसके प्रॉब्लम को हम ढूंढते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम है क्या। तो देख सकते हैं कि पट्टी अभी भी पूरी तरह से इसी तरह से जो है खुला हुआ है। तो ये हमारा कनेक्शन है, तो चलिए फेस देखते हैं इसके अंदर आ रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं जो सप्लाई हमारा वो बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है। तो अभी मैं सीढ़ी पे चढ़ा हूँ इसलिए जो टेस्टर है वो काफ़ी स्लो चल रहा है, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे कि इसके अंदर जो हमारा सप्लाई है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, ये देखिए तो हमारा फेज जो है बिल्कुल आ रहा है। तो चलिए इसके अंदर हम फ्यूज़ के अंदर चेक करते हैं। तो ऐसे केस में जो है ज़्यादातर फ्यूज़ हमारा उड़ जाता है, तो यहाँ पर हम फ्यूज़ चेक करेंगे। तो फ्यूज़ हमारा बिल्कुल ओके दिख रहा है यहाँ पर। तो चलिए फ्यूज़ में हम टेस्टर लगा के आपको दिखाते हैं कि हमारा जो सप्लाई है, जो हमारा फेस है, जो हमारा लाइन है, वो दोनों तरफ आ रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसी तरह से हमें ऊपर की तरफ भी आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं ऊपर भी आ रहा है, यानी हमारा फ्यूज़ जो है वो बिल्कुल ओके है। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कहीं पर कुछ हमें दिखाई देता है या नहीं। तो अभी फ़िलहाल जो है कहीं पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए अब इसके बाद हम चेक करेंगे इसका जो न्यूट्रल है वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। कभी कभार जो है न्यूट्रल वगैरह भी नहीं आने की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पर सब कुछ ओके दिख रहा है, तो अब चलिए इसका न्यूट्रल हम चेक करते हैं। तो न्यूट्रल आप चाहें तो टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहीं पर मैंने आपको बोला ना, इसके न्यूट्रल में ही मिस्टेक है। तो चलिए यहाँ से हम न्यूट्रल को निकाल लेंगे और उसके बाद क्लियर करके फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ न्यूट्रल जो है हमारा जो सोल्डरिंग है वो यहाँ से निकल चुका है। तो चलिए किसी वजह से इसको हम ठीक करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए किसी तरह से ऑन भी यहाँ पर नहीं हो रहा, अगर हम बटन को प्रेस करते हैं तो भी ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम पूरा ओके करते हैं। यहाँ पर प्रेस करने के बाद भी कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो चलिए हम न्यूट्रल वायर बराबर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको चालू करके एसी को दिखाते हैं। ठीक है, तब तक वीडियो में बने रहें। तो ये मिसुबिशी हैवी का है, और इसमें जो हमारा मिसुबिशी इलेक्ट्रिक भी आता है, तो दोनों में जो है बहुत फ़र्क है। हैवी में भी फ़र्क है और इलेक्ट्रिक में भी फ़र्क है, और देखा जाए तो अदरवाइज़ दोनों जो एसी हैं काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो चलिए इसका हम ये न्यूट्रल सही कर लेते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको बिल्कुल ओके कर देते हैं। तो चलिए अब हमने न्यूट्रल को बिल्कुल ओके कर लिया है और एसी हमारा बिल्कुल चल चुका है। तो अभी मैं इसका इंडिकेटर आपको दिखाता हूँ कि ये चल चुका है और इसके अंदर जो है फ्लो वगैरह काफ़ी अच्छे से आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पावर लाइट है बिल्कुल ऑन हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ऑन चुका है और अभी हवा भी यहाँ से आना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से कभी कभी जो है छोटा सा प्रॉब्लम भी होता है जिसके वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए फाइनली इसका हम कवर वगैरह जो है लगा देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके साइड का कवर हम पीसीबी के साइड का कवर लगा देंगे, जिससे जो हमारा शॉप का ये हमारा साइड का कवर है, तो सबसे पहले इसको लगा देंगे। तो इसको लगाना बहुत आसान है और थोड़ा सा रिक्स भी है अगर आप इस तरह का जो है लोखन का कवर लगा रहे हैं तो एसी को ऑफ करके लगाएं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक स्क्रू होता है नीचे की तरफ, लॉक भी होता है और एक स्क्रू भी होता है, इसको भी यहाँ पर हम लगा लेते हैं। और उसके बाद में जो है इसको पहले अंदर की तरफ ढकेल देंगे जिससे हमारा स्क्रू का होल मैच हो जाए। तो ये बिल्कुल मैच हो चुका है। तो इस तरह का चालू कंडीशन में आप तभी काम करें जब आपको इसका पूरा जानकारी हो, अन्यथा इसको जो है आप चालू कंडीशन में काम बिल्कुल भी ना करें, वरना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम
हो सकता है। तो इस तरह का जो है आप, चलिए लगा लेते हैं पहले इसको, हम यहाँ से टाइट कर लेंगे, उसके बाद पूरा कवर फाइनली एक बार लगा के फिर आपको दिखाते हैं कि एसी हमारा जो है कैसा दिखता है। तो चलिए सब कुछ हो चुका है, यहाँ पर हमारा कवर भी लग चुका है और एसी बिल्कुल ओके तरीके से चालू भी हो चुका है। तो इस तरह से जब भी आप किसी एसी को चेक करते हैं तो चेक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।